हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। आरबीआई जो है अपेक्स बैंक है, जो बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करता है। शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड के अंदर आ जाते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी सोसाइटीज़ आ जाती हैं, कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं। और जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, ये दो तरह का होता है, इंडियन एंड फॉरेन। इंडियन के अंदर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर आ जाता है। देखो, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये हमारा अपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक है। इसको आरबीआई इंडियन एक्ट 1934 के अंदर 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश किया गया था। और ये बहुत सारी डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शन परफॉर्म करता है। इसको बहुत सारी पावर दी गई हैं बैंकिंग स्ट्रक्चर को सुपरवाइज एंड कंट्रोल करने के लिए, समय समय पर बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज करता है। इसके जो फंक्शन है वो डिटेल के अंदर मैं पहले ही इसका एक लेक्चर जो है यूट्यूब पे लोड कर चुकी हूँ। आप लोग अगर डिटेल में आरबीआई के बारे में देखना है तो प्लीज़ रेफर टू डैट वीडियो। और जो शेड्यूल्ड बैंक्स है, उसका मतलब होता है कि जो से आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंदर आते हैं। सेकंड शेड्यूल के अंदर वही बैंक आते हैं जो 42 सबसेक्शन 6 ए का क्राइटेरिया जो है सेटिस्फाई करते हैं। जो बैंक्स उन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते, उसको हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स कहते हैं। और जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, देखो जो कमर्शियल बैंक्स का मतलब होता है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है सेकेंड शेड्यूल में आते हैं, जिनका प्राइमरी फंक्शन जो होता है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना होता है, लोन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, इसके अंदर आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ जाते हैं, प्राइवेट बैंक्स आ जाते हैं, फॉरेन बैंक्स आ जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आ जाते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर आ जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट नेशनलाइज्ड बैंक्स आ जाते हैं, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ जाते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनके अंदर क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसका शेयर 50% या उससे ज़्यादा है। और ये जो शेयर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होते हैं। और प्रेजेंटली जो है 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं इंडिया के अंदर हैं। जो नेशनलाइज बैंक हैं, अलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दीना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजय बैंक एंड आईडीबीआई बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जो थे इसलिए नेशनलाइज किए गए थे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी 1955 के अंदर बैंकिंग बिजनेस के अंदर एंटर किया था, इसने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया था। 60% जो शेयर था वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ले लिया था। इसको जो नाम दिया गया था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। और अदर जो 7 बैंक्स थे उनको भी 60 के अंदर नेशनलाइज कर दिया गया था, उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरीज बना दिया गया था। 69 के अंदर क्या था कि 14 एडिशनल बैंक जो थे उनको नेशनलाइज किया गया था। 80 के अंदर क्या था कि फर्दर 6 बैंक जो थे उनको नेशनलाइज किया गया था। और नेशनलाइजेशन के पीछे जो लॉजिक था, क्योंकि पहले क्या होता था, बैंकिंग सेक्टर जो था प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था और कुछ जो रिच फैमिलीज होती थी वही कंट्रोल करती थी, वो इसको मैनिपुलेट करती थी, एक्सप्लॉइट करती थी। तो नेशनलाइजेशन इसी वजह से किया गया ताकि जो ऑनरशिप एंड कंट्रोल है उसको ब्रेक किया जा सके और जो वेल्थ और इकोनॉमिक पावर है उसको प्रिवेंट किया जा सके। और जो सारे इंडिया के जो स्मॉल सेवर्स हैं वो भी अपनी सेविंग जो है बैंक के अंदर रख सकें। और जो प्रायोरिटी सेक्टर है, क्योंकि उस वक्त क्या था, इकॉनमी बहुत फ्रेगमेंटेड थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, तो इस वजह से इनको नेशनलाइज किया गया ताकि प्रायोरिटी सेक्टर को जो है प्रायोरिटी के बेसिस पे उनकी नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करती है। ये गवर्नमेंट ऑन कॉरपोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई के अंदर सिचुएटेड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 1 अप्रैल 2017 को इसने अपने साथ जो 5 इसके एसोसिएट बैंक्स थे वो मर्ज कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ तिरुवनंतपुरम एंड भारतीय महिला बैंक।
इसके साथ ही इसकी जो पोजीशन है काफ़ी कंसोलिडेट हो गई है और ये 50 ग्लोबल बैंक्स के अंदर जो है इसकी एंट्री हो चुकी है मर्जर के साथ, क्योंकि इसकी पोजीशन काफ़ी कंसोलिडेशन हो गई है, जो कस्टमर है उसका बेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और इसका जो मार्केट शेयर है पहले 17% था, मर्जर के बाद ये 22% हो गया और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट के अंदर भी इसका जो रैंक है 232 है और ये इसकी जो बैलेंस शीट जो है वो 33 ट्रिलियन साइज़ की है, 24,000 ब्रांचेज हैं, 59,000 जो है ATM है, इसकी पोजीशन काफ़ी कंसोलिडेट हो गई है और जो कस्टमर का बेस है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होते हैं ये इंडियन बैंकिंग सेक्टर का ही हिस्सा आता है, जिसके अंदर क्या होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी होते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनके अंदर 50% या उससे ज़्यादा जो है प्राइवेट शेयर होल्डर के पास होते हैं। ये नंदगुड़ी बैंक जो था फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक था जो कि राव बहादुर ने एस्टैब्लिश किया था। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है दो कैटेगरी के अंदर होते हैं, ओल्ड एंड न्यू। जो नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इनको लाइसेंस लेके काम करना पड़ता है और जो है नेशनलाइजेशन से पहले जो एस्टैब्लिशमेंट में थे, एक तो क्या था कि इनका फोकस जो था वो रीजनल था, ये लोकल कम्युनिटी के द्वारा हैंडल आउट किए जाते थे और ये इनका साइज़ बहुत स्मॉल था, इस वजह से क्या था कि इनको नेशनलाइज नहीं किया गया, इनको प्राइवेट सेक्टर बैंक ही रहने दिया गया और बैंकिंग रेगुलेशन जो थी वो 93 के अंदर अमेंड की गई, जिसके अंदर क्या था कि नए जो बैंक्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर खुल सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्राइटेरिया फिक्स किया गया था। एक था कि एंट्री लेवल पे उनकी नेटवर्थ जो है 200 करोड़ की होनी चाहिए और जो उसकी शेयर कैपिटल के अंदर जो प्रमोटर का हिस्सा है वो कम से कम 25% होना चाहिए और बैंक के पास लाइसेंस होना चाहिए अगर उसने प्राइवेट सेक्टर के अंदर बैंक खोलना है। और जब वो ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो विद इन 3 ईयर्स उन्होंने एक इशू जो है पब्लिक के लिए निकालना है, जिसमें अपने शेयर जो है पब्लिक को ऑफर करने हैं और कोशिश करनी है कि जो नेटवर्थ है वो 300 करोड़ तक इंक्रीज़ हो जाए। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक जो अभी नए हैं, HDFC बैंक, DCB बैंक, ICICI बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, कोटक महिंद्रा, येस बैंक, कैपिटल लोकल एंड IDFC। देखो जो फॉरेन बैंक्स हैं इसको क्या है कि जिस देश के अंदर ये एस्टेब्लिश हुए हैं और होस्ट जिस देश के अंदर इनकी ब्रांच है या तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इनको फॉलो करने पड़ते हैं और इनकी जो फॉरेन ब्रांचेस की लोन लिमिट होती है पेरेंट बैंक कैपिटल के ऊपर बेस्ड होती है, ये सब्सिडरी के मुकाबले में ज़्यादा लोन दे सकते हैं। इनको अगर इंडिया के अंदर ब्रांचेस खोलनी है तो इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। इवन जो इंडियन बैंक्स है उसको एक्वायर करने के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है। जो मेजर फॉरेन बैंक्स इन इंडिया है, ये सारी कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसके अंदर कुछ ही मेजर फॉरेन बैंक्स हैं जो मैंने उसकी लिस्ट डाली है। ABN एमरो बैंक सबसे पहले जो सबसे पुराना जो फॉरेन बैंक है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ABN एमरो बैंक, आबू धाबी, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC, टाइप बैंक, स्कॉटिया बैंक, ड्यूश बैंक, JP Morgan, चेज बैंक।